रोल। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू परिवर्तन में। मैं हूं रतिन शर्मा। इस समय अगर आप जम्मू के पॉलिटिकल सिनेरियो की बात करें तो गुप्कार को लेकर जहां एक और कड़ा विरोध चल रहा है यानी कि बीजेपी, वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो सारी पार्टी एक साथ मिलकर यानी कि एनसीपी पीडीपी हो या फिर आवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, सर इस समय मीटिंग चल रही है, किस तरह से आप देखते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं गुप्कार गैंग अपने आप को ये कह रहा है कि वो बहुत ज्यादा पार में है और वो जानता है कि किस तरह से वापस लाना है। ये खुपकार खेंग वाले ये गद्दार हैं, ये सारे देश के गद्दार हैं। इन्होंने देश के साथ गद्दारी की है और ये पाकिस्तान और चीन के इशारों पर नाचने वाले ये गुपकार खेंग वाले, इनका कोई हम एजेंडा यहाँ पूरा नहीं होने देंगे। 70 साल इन्होंने जम्मू कश्मीर की जनता को दो दो हाथ से लूटा। जब ये सत्ता में थे तो इन्होंने कभी पश्चिम पाकिस्तान के रिफ्यूजियों को अधिकार नहीं दिए। दलित समाज के लोगों का कत्ल इन गुपकार गैंग वालों ने किया। गुज्जर बकरवालों का को कभी पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं दी गई। उनकी इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बैन करने वाला ये गुपकार गैंग के लोग हैं। इन्होंने कश्मीर के लोग हों, जम्मू के हों, रिफ्यूजी हों, इन्होंने समाज के हर वर्ग का कत्ल किया है। आज जब जम्मू कश्मीर की जनता ने इनको सत्ता से उखाड़ के बाहर फेंका तो इनको पाकिस्तानी याद आ रहा है। उन्होंने ये बात क्लियर की कि अगर मुझे पाकिस्तान जाना होता 1947 में चला गया होता, आज आप मुझे क्यों बार बार एंटी नेशनल बोल रहे हैं? आज मुझे बार बार क्यों ये बोला जा रहा है कि पाकिस्तान जाओ? मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहता, ये मेरा देश है। लेकिन चीन और पाकिस्तान के इशारों पर नाचना बंद करे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, ये षड्यंत्र नहीं चलने देंगे हम। आप चीन और पाकिस्तान को बोलोगे कि यहाँ धारा 370 वापस लाओ? डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हिंदुस्तान के पार्लियामेंट के पार्लियामेंटेरियन है, वो क्यों चीन की पार्लियामेंट के मेंबर पार्लियामेंट नहीं है? बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। उनके दिल में जो ख्वाब है वो कभी कभी उनकी जुबान पर आ जाते हैं और फिर कहते हैं कि जुबान फिसल गई। जम्मू कश्मीर में रहना होगा तो तिरंगा झंडा बुलंद करना पड़ेगा, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, यहाँ रहने नहीं देंगे। पर कल उन्होंने एक बात क्लियर की कि भाजपा में दम नहीं है, मेरे बार बार पुतले चलाने से कुछ नहीं होगा। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी बात क्लियर कर दी है कि सबसे ज्यादा अगर कोई बात होनी चाहिए तो वो ये होनी चाहिए कि आप जाकर चाइना से बॉर्डर पर लड़िए, मुझे कुछ मत बताइए। फारूक अब्दुल्ला का कहना था कल अपनी जनता को सपोर्ट, हम तो लड़ेंगे और लड़ रहे हैं और आप यहाँ बैठ के देश के साथ गद्दारी करोगे? आप डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और ये गैंग यहाँ बैठ के देश को के साथ गद्दारी करेगा? देश के गरीब जनता का पैसा लूट लूट के लंदन, अमेरिका में जाके, दुबई में जाके होटल बनाएंगे, महल बनाएंगे और हम इनको बख्शेंगे? सवाल नहीं पैदा होता। नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, गद्दारी करेंगे, पकड़ के जेल में डालेंगे इनको। वाले ये कह रहे हैं कि गुप्कार अलायंस नहीं, अब हमें पीपल अलायंस भी कह सकते हैं क्योंकि गुप्कार अलायंस इसने डाला। ये गुप्कार गैंग है, गद्दारों का गैंग है, ये जम्मू कश्मीर की जनता का अलायंस नहीं है। दिस इज नॉट एन अलायंस ऑफ पीपल, दिस इज नॉट पीपल्स अलायंस, दिस इज एन अलायंस ऑफ पावर हंग्री लीडर्स। ये सत्ता के भूखे हैं, आज सत्ता के बाहर हैं तो ऐसे तड़प रहे हैं जैसे बिन पानी मछली तड़पती है। लेकिन इन गद्दारों को हम छोड़ने वाले नहीं हैं। जेल, तिहाड़ जेल, जोधपुर जेल, लखनऊ जेल इनका इंतजार कर रही है। तिरंगा झंडा उठाना पड़ेगा नहीं तो जेल की सलाखें इनका इंतजार कर रही है। बहुत शुक्रिया। इसी तरह इस समय मेरे साथ मौजूद है जिन्होंने गुप्कार के बारे में बिल्कुल बात क्लियर कर दी है कि ये जो गुप्कार अलायंस, जो भी पॉलिटिकल पार्टी का अलायंस हुआ है, गुप्कार डिक्लेरेशन जो सामने आया है उसमें एक बात तो सीधी सीधी क्लियर है, ये जो भी लोग इस समय सामने आए हैं ये वही लोग हैं जो लोग इस समय अगर कहा जाए सत्ता के हंगरी हैं या फिर उनको किसी चीज की कमी है, तो ये चीज उन्होंने क्लियर जरूर की है। वहीं दूसरी और बात ये भी है कि अब रविंदर रैना ने भी एक बात क्लियर की है कि चाहे जो मर्जी हो जाए, चैलेंज लेने के लिए हम भी तैयार हैं, पर रहना होगा अगर इंडिया में तो हिंदुस्तान की जय और भारत का झंडा उठाना होगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ, मुझे रविशंकर जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।